वेलकम एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर विल डिस्कस द फोर ब्रेन एंड इन दैट फोर ब्रेन विल थरली डिस्कस द ब्रेन। अब उस फोर ब्रेन में हमें स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करना था, क्योंकि फोर ब्रेन में दो थे आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर आपका मिड ब्रेन और क्या कहते हैं फोर ब्रेन था। तो मिड ब्रेन हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था, हाइंड ब्रेन करना रहेगा तो हाइंड ब्रेन का बचेगा उसको भी कर लिया था, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बचा था उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये प्रेजेंट होता है हमारे बैक पे, ये कनेक्टेड होते हैं आपके मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के स्ट्रक्चर है वहाँ से ऐसे कनेक्ट होते हैं, क्लियर। एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड हैव अ कवरिंग और मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द मेलिंजेस। जो ब्रेन में है वो यहाँ भी मेलिंजेस प्रेजेंट होते हैं and meninges has three layer that I have told you, DAP. DAP means duramater arachnoid and pyameter. तो ये outside to inside connect होते हैं, outside to inside बाहर से अंदर की तरह भी होते हैं, and between this layer a fluid is present that is called the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid present होता है and this spinal cord is also covered by a bone or protected by a bone that is called the vertebral column. तो vertebral column से प्रोटेक्ट होते हैं, वर्टिब्रल, क्लियर। दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमने दो चीज हमें पढ़ना था, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क या दो पार्ट की है, दो चीज इसमें पढ़ना था। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स मतलब आप समझ रहे हैं जो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि सनलाइट को हम मिरर से करते हैं तो जो सनरेस पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उसकी रेस कहीं और जाएगी, उस तरीके से रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में भी होता है थ्रू दिस नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो कुछ भी चीजें जो आप देखते हैं उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस एक्शन बाय द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इनवॉलेंट्री है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, इट इज इनवॉलेंट्री और स्पॉन्टेनियस एक्शन बाय रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है, response to stimulus, stimulus जो signal आपको मिल रहा है। अब उस वो जो signal मिला है वो signal कैसा है उस पर response करना है, that is called the reflex action। example की अगर बात करें तो एक छोटा सा example है, जैसे sunlight is the stimulus for the plants। तो सनलाइट जब स्टिमुलस के फॉर्म में प्लांट्स को मिलता है तो प्लांट इज परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, वो अपना काम करता है, फ्लावरिंग कर देगा, फूड को बनाएगा, सारी प्रोसेसिंग करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप, तो दो हैं ये, एक होते हैं एक्वायर्ड एंड द सेकेंड वन इज नेचुरल। एक्वायर्ड एंड नेचुरल, acquired is also called conscious and natural is called the unconscious। अब इसको अगर बात करें acquired और natural की, तो पहला example acquired जो कि हमने लिया है बाद में,
कंडीशंस पे होते हैं ये, एंड नेचुरल इज डन बाय आर हार्मोन्स। हार्मोन जब सीक्रेट्स होता है तब ये होता है, और ये नेचुरल है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं वो हो जाती हैं। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है, ट्रैफिक सिग्नल्स को लोग फॉलो करते हैं, तो रेड सिग्नल आया, दैट इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस आपको दिखा दैट रेड सिग्नल, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्स दैट रेड सिग्नल, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक योर स्कूटर बाइक्स एंड द कार, जिससे भी आप जिस व्हीकल से आप उसको रोक देंगे, दैट इज द स्टिमुलस, एंड दैट स्टिमुलस इज नेचुरल, वो नेचुरल है। क्लियर? एक और एग्जांपल अगर लें नेचुरल एक्शन की या रिस्पॉन्स की, तो हॉट ऑब्जेक्ट अगर आप कोई टच करते हैं, तो हॉट ऑब्जेक्ट टच करने के बाद आपके ब्रेन में सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, वो उसको डिकोड करता है मैसेज को, मैसेज, और मोटर नर्व्स के थ्रू वापस आता है, फिर उसको जो है आप को मैसेज आया कि उसे छोड़ दो। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल और अनकॉन्शियस एक्वायर्ड, जो कि हमने बाहर से लिया है, एनवायरमेंट से लिया है, कंडीशंस पे होते हैं, कंडीशंस पे। जैसे आपके आगे सडनली आप व्हीकल चला रहे हैं कोई, और सडनली कोई आ गया, तो दैट इज कंडीशन। अब कोई आया है तो इसका मतलब आप चढ़ा नहीं दोगे, उसका मतलब है कि आप उसे ब्रेक लगाओगे, उसे बचाओगे, दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इट इज द सिंपल पाथ ऑफ इंपल्स फ्रॉम द एफेक्टर टू द इफेक्टर। पाथ ऑफ इंपल्स मीन्स मैसेज फ्रॉम द एफेक्टर टू द एफेक्टर, मतलब सेंसरी टू मोटर नर्व न्यूरॉन जो कहिए, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। जो मैसेज आपने रिसीव किया अपने सराउंडिंग से बाहर से, तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिकोड हुआ, और मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आया, तो एक चैनल बना, एक आर्क बना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। मैथ्स में अगर आपने पढ़ा है ज्योमेट्री वगैरह, तो आर्क लगाते हैं 90 डिग्री का, यहाँ पे लगाया, ऐसे लगाया, तो इसको क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्क। तो ऐसा ही आर्क बनना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सराउंडिंग्स में क्या है। सपोज ये प्लेट है, प्लेट में कुछ खाने की चीजें रखी है, हॉट प्लेट विथ पनीर टिक्का। पनीर टिक्का यहाँ पर रखा हुआ है और प्लेट हॉट है, तो दोनों एक्शन और आर्क दोनों साथ में बता दे रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप इसे टच करोगे, प्लेट भी हॉट थी, ये भी हॉट था, तो यहां से एक मैसेज गया, मैसेज गया बाय सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व कहिए, जो भी है सब उसी से बना हुआ है, ठीक है। अब मैसेज गया कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिकोड किया मैसेज को, एंड अगेन सेंड मैसेज बाय अ मोटर न्यूरॉन। तो जब यहां से मैसेज गया, तो मैसेज क्या गया,
यू हैव टू पुल योर हैंड, और यह कहिए मसल श्रिंक, मसल श्रिंक्स करेगी तो आप अपना हाथ हटा लोगे, बिकॉज मैसेज में जो सेंसिंग आप ले गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसने मैसेज को डिकोड किया कि प्लेट हॉट है, आप इसको हटा लो। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। आर्क बनाते हैं कि किसके थ्रू गया, क्या बन के आया, फैक्टर इफेक्टर जो भी है जिसके थ्रू, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर इन्वायरमेंट से आपने लिया, तो वो हुआ रिसेप्टर, स्टिमुलस जो लिया आपने, स्टिमुलस इज योर रिसेप्टर। रिफ्लेक्स पाथ, अब रिफ्लेक्स पाथ की बात करें तो फर्स्ट इज स्टिमुलस जो बाहर से आपको मिला हॉट ऑब्जेक्ट। अब स्टिमुलस जब आपने रिसीव किया तो दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसीव किया किसके थ्रू किया, सेंसरी नर्व या न्यूरॉन, इसी को कहते हैं एफेक्टर। क्लियर? अब इसको एफेक्ट किया तो मैसेज कहाँ गया, ब्रेन में, और यू कैन से स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहां से जब मैसेज आया जिसके थ्रू आया, दैट इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन, और यू कैन से एफेक्टर। तो मोटर न्यूरॉन से जब आया तो इसने रेस्पॉन्स किया, इसने रिसीव किया था, इसमें रेस्पॉन्स हुआ, एंड दैट रेस्पॉन्स इज द एफेक्टर, या एफेक्ट करना, उसे हटा लेना सिंग। सिंकन ऑफ मसल, तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स पाथ। क्लियर? अब एक रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम अगर बना दें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम क्या आएगा, इसी को देखकर अगर बनाएं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क चीजों को जब आपने यहां पे स्टिमुलस नर्व्स के थ्रू लिया तो स्टिमुलस, क्लियर, स्टिमुलस बाहर से लिया सेंसरी नर्व के थ्रू, क्लियर, और यहां पे आपके गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही होते हैं। क्लियर? और दैट इज कॉल्ड द, एक थर्ड है एसोसिएटेड न्यूरॉन, यहां पे जो कनेक्टेड होते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन, और जिसको मिक्स नर्व पैरेलल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और यहां से जब मैसेज आया दैट इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन। अब यहां पे अगर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखें तो ये कुछ एच शेप का इस टाइप का बनता है। क्लियर? फिर यहाँ पे दूसरा है तो इधर से भी नर्व्स वगैरह जाती हैं। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, एंड ब्रेन में हम लोग ने देखा था ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ब्रेन में जो आउटर था दैट इज ग्रे एंड द इनर वन इज व्हाइट। स्पाइनल कॉर्ड में उसका रिवर्स है, जो बाहर रहता है दैट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर एंड द इनर वन इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। क्लियर? तो इस टाइप का आर्क एक बनता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल सिस्टम में हमने दो बताया था, उसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स इज रिलेटेड टू योर क्रेनियल और यू कैन से ब्रेन। ब्रेन से जो नर्व निकलती है दैट इज कॉल्ड द क्रेनियल पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स और सेकंड इज योर स्पाइनल नर्व्स देखना था। क्रेनियल नर्व्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ब्रेन। ब्रेन से निकलती है क्रेनियल कैविटी, आपको पता है, उससे रिलेट करिए कि ये ब्रेन का टर्म है। और ये 12 पेयर्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी नर्व्स की पेयर्स होती है ये पूछता है। और ये पूरे आपके हेड रीजन्स पे होती हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, ब्रेन, माउथ, ये सब के रीजन पे होते हैं। तो ये क्रेनियल स्पाइनल नर्व ओरिजिनेटेड या निकलती हैं कहाँ से, फ्रॉम स्पाइनल है तो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और ये 31 पेयर्स होते हैं, दे आर 31 पेयर्स। तो 31 पेयर्स है, यहाँ से निकलती है लंबर रीजन तक निकलते हैं, लंबर वर्टिब्रल का लास्ट पार्ट है, उसके बाद कॉक्सी होते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गेन वहाँ पे नहीं, बस यहाँ से निकल के जाते हैं आपके लेग्स के रीजन टो तक पूरी नर्व्स जाती है। तो दिस इज अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको ये नहीं जानना है कि 12 पेयर्स नर्व्स होती हैं, वो क्लास 10 के लेवल पर नहीं है। और अगर जानना है तो फिर हम 12th का लेक्चर जब बनाएंगे उसको देखिएगा। ट्राइजिमनल, ऑक्लियोमोटर, फेसियल, वैगस नर्व, ऑल्फैक्ट्री नर्व, ऑडिटरी नर्व सब प्रेजेंट होती हैं। हमने वैसे भी पढ़ाया है, ऑडिटरी पढ़ाया आपको, टेम्पोरल वगैरह पढ़ाया, जो ऑप्टिक नर्व्स तो वो वहाँ पर होते हैं, उसी से अटैच होते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो था आपका, टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो था इसमें, एक था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसको समझिए, ये जो है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो एक डायलेशन करता है, तो अपोजिट में काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी के समय ये सिक्रीट करता है और कोऑर्डिनेटेड बाय एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन का काम होता है कि ये रेंडमली सिक्रीट्स करता है, अनकॉन्सियस हो जाता है इंसान तब ये सिक्रीट्स करता है। और पैरासिंपैथेटिक जब ये सिक्रीट्स करता है तो ये उसको रोकने का काम करता है। तो ये तो आपका, अब समझ ही रहे होंगे ये क्या है, ये इमरजेंसी में सिक्रीट्स करता है। अगर ये सिक्रीट्स करता है तो उसको इस पैरासिंपैथेटिक काम है उसको नॉर्मल करना। जैसे किसी को डर लगा, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा, पेरेंट्स के साथ गए हैं अपने, तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं हुआ, तो आपको आपके हार्मोन सिक्रीट्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एड्रेनलिन हार्मोन। तो अब उसको कंट्रोल धीमे धीमे 2-4 घंटे में जब आप घर वापस आ जाएंगे, सारी डांटे पेरेंट्स की अपने सुन लेंगे, तो फिर धीमे धीमे वो डाउन होता है। दैट इज कंट्रोल बाय पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिक्रीटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड
रिड्यूस्ड बाय पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट आई की ब्लिंकिंग है, तो अगर ब्लिंक नीचे की तरफ कर रहा है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऊपर कर रहा है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट, हार्ट बीट को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो सिंपैथेटिक, और फिर उसको जो है रिलैक्स कर रहा है तो पैरासिंपैथेटिक। तो इस तरीके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे इनका काम होता है। अब इसका और रिफ्लेक्स एक्शन का आपको नहीं लग रहा कि एक जैसा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको बताते हैं ये हार्मोन्स सीक्रेट्स कर रहा है, क्योंकि अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम पे है, हार्मोन्स पे ही है। तो ये हार्मोन्स पे डिपेंड है, इसमें कोई डक्ट्स का रोल नहीं हो रहा है, मतलब किसी नर्व्स का रोल नहीं है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व्स का रोल है, वहाँ पे सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो उससे होता है। इसलिए ये डिफरेंस आप देखिएगा, आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम, इतना ही नर्वस सिस्टम में था। और बात करें सेंस ऑर्गन्स, जो रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन, इसी के साथ चैप्टर्स है, या कुछ बुक्स में अलग से दिए हैं, दिया गया है, दैट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। अगर आपको देखना है वो चैलेंज चैनल पे देखिए, वहाँ पे हमारी वीडियो है। तो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। थैंक यू।